Tally product info calculator area. Tally product info calculator area का 5 main section है. पहला section product, इसमें tally का logo मिलेगा और ये section fix रहेगा. Fix है, इसका information change नहीं होता है. इसके बाद का section version and update, वो tally के product जो tally का version आप use कर रहे हैं उसके बारे में information रहेगा. कौन सा वर्शन है, नेक्स्ट अपडेट कौन सा अवेलेबल है जो कि आप ले सकते हैं. यूजर्स एंड लाइसेंस, इसमें आपके लाइसेंस टैली लाइसेंस का डिटेल मिलेगा. कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में आपके टेक्निकल डिटेल्स मिलेंगे, ओडीबीसी सर्वर और ये सब. नेक्स्ट है कैलकुलेटर एरिया या मैसेज एरिया, इस जगह आप जो कैलकुलेशन करते हैं वो दिखाई देता है या जो टैली काम करते समय जो मैसेजेस वगैरह ऑटोमेटिकली आते हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं. तो ये 5 सेक्शन के अंदर फर्स्ट सेक्शन फिक्स है, उसके बाद नेक्स्ट 3 सेक्शन में इंफॉर्मेशन टैली के अंदर से आता है, आपको कुछ नहीं करना है. लास्ट सेक्शन कैलकुलेटर एरिया, इसको इसमें कंट्रोल एन देने से वो कैलकुलेटर एरिया एक्सपांड हो जाता है और फिर कंट्रोल एन देने से आपको कैलकुलेटर एरिया कोलैप्स हो जाता है. इन्फो पैनल नॉर्मली हर समय दिखता है आपको, अगर इन्फो पैनल का इंफॉर्मेशन इन्फो पैनल नहीं है चाहिए तो इसे आप बंद कर सकते हैं. इन्फो पैनल के बिल्कुल राइट साइड में एक क्रॉस बटन है, उसे क्लिक करिए तो इन्फो पैनल हट जाएगा. उसे गेटवे ऑफ टैली में आपको और भी ज़्यादा जगह मिलेगी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, स्क्रीन आपका बड़ा हो जाएगा, वर्किंग स्पेस बढ़ जाएगा. इन्फो पैनल हाइड करने से वो पूरा सेक्शन एक लाइन दिखेगा, बीच में कैरेट हैंडल दिखेगा. इन्फो पैनल को वापस लाने के लिए आइदर आप वो कैरेट हैंडल को क्लिक कीजिए या कंट्रोल एन दबाइए तो इन्फो पैनल वापस आ जाएगा.